तो सर जी कितने प्रकार के पराठे बनाते हो आप? हम लगभग 25 प्रकार के पराठे बनाते हैं, आलू का, गोभी का, पनीर का, प्याज का, अंडे का, चिकन का, मटन का, मेथी का, पालक का, सत्तू का, मीठा पराठा जो कि गुजरात के लोग काफी खाते हैं। बोलो। और यहाँ की खास बात ये है कि यहाँ पे पूरी रात आपको पराठे मिलते हैं दोस्तों, और बिल्कुल मजेदार। या क्या बात है, एक्सप्रेशन देखा, फीलिंग देखी है, क्योंकि एक-एक खा चुके हैं ना हम लोग, क्योंकि एक-एक खा। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब दोस्तों। दोस्तों कैसे हो आप सब? मैं आपका दोस्त आपका ओमकार सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फूड मूड ऑफिशियल में। तो दोस्तों अभी जिस जगह पे मैं हूं, सबसे पहले तो आप मेरा हुलिया देख रहे होंगे कि पगड़ी नहीं है एंड बहुत कैजुअल सा हूँ, तो उसका रीजन मैं बता देता हूँ कि वक्त हो चुका हुआ है रात के 2:10, इस पर नहीं दिखेगा, फोन पे दिखाता हूँ। तो 2:09 हो चुके हुए हैं और मैं हूँ दिल्ली में। जी हाँ, आई एम इन दिल्ली, और दिल्ली में भैया ये आ जाओ मेरे साथ, ये तो खास लोग हैं, मिस्टर सिंह फूड हंटर एंड गोल्डी पाजी, अपने गोल्डी सिंह वाले। तो भाई लोग बताओ ये जगह कौन सी है, कहाँ लेके आए हो, मुझे क्या खिलाने वाले हो? ये जगह है गौतम नगर, साउथ दिल्ली में पड़ती है, एम्स की बैक साइड में पड़ती है। लोकेशन और इनका फोन नंबर और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे बाकी आगे की प्रिपरेशन दिखाते हैं आपको। और मेरे साथ जो चल रहा है अभी गोल्डी पाजी बोलेंगे कुछ, बोलो। और यहाँ की खास बात ये है कि यहाँ पे पूरी रात आपको पराठे मिलते हैं दोस्तों, और बिल्कुल मजेदार। या क्या बात है, एक्सप्रेशन देखा, फीलिंग देखी है, क्योंकि एक-एक खा चुके हैं ना हम लोग, क्योंकि एक-एक खा चुके हैं ना हम लोग। तो मेरे वाले से पहले ये भाई लोग खत्म कर चुके हैं, अभी मेरे को टेस्ट करना है, क्योंकि मेरे आने से पहले वेटिंग में ये लोग एक-एक रगड़ गए। पाजी को बोला सीधा यहां आ जाओ। बहुत यार, ये देखिए इधर भी लोग खा रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे बाद में। आज का वीडियो पराठे का रहेगा, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, फटाफट से करेंगे और फटाफट से खत्म कर देंगे, लेकिन वीडियो पूरा देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ से। तो गाइज मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग पहले ही पराठे एंजॉय कर रहे थे, तो मैं उनके पास आ गया तो पूछा कि क्या है कैसा है, तो पहले इन्हीं से टेस्ट करने से पहले एक रिव्यू हो जाए ना तो बढ़िया रहता है। तो मेरे साथ है डॉक्टर अमल। डॉक्टर अमल, अमल अमल। तो इन भाई की खासियत मैं बताऊँ, ये अभी कुछ वो कर रहे थे एक्टिंग, कैसे कर रहे थे भैया वो बता रहा? कौन सी एक्टिंग भाई साहब? वो चाय पी लो, क्या कर रहे थे अभी? क्या जी, मैंने कब करा यार, ये अभी 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 कर रहे थे ना आप? नहीं इतना, ये रवीना बहुत बढ़िया करती है। अच्छा, ये मतलब ये यहाँ आने से पहले एक्टर थे। हेलो फ्रेंड्स, ये मॉडल थे। अच्छा, हेलो फ्रेंड्स, ये मॉडल थे पहले। ओके, क्या बात है, ये डॉक्टर रवीना है जो पहले मॉडल थी एंड बिफोर जॉइनिंग एम्स। हां, तो ये सारे एम्स के डॉक्टर हैं, और मेरे साथ है डॉक्टर उमर। डॉक्टर उमर एंड डॉक्टर विशाल। अरे कैमरे की तरफ देख के थोड़ा ऊंचा बोलो यार। तो भाई लोग क्या खा रहे हो आप लोग? आलू का पराठा। ओके, पनीर पराठा, गोभी पराठा, आलू प्याज पराठा, आलू प्याज पराठा, और सभी सभी वैरायटीज कवर हो गई है। और हाउ इज द टेस्ट? टेस्ट इज वेरी गुड, अमेजिंग। और अगर यहाँ पे अगर किसी को रेकमेंड करना हो तो एक वर्ड में क्या बोल के रेकमेंड करोगे भैया? वर्मा जी के पराठे। और रात में आना मत, दिन में मत आना है। दिन में खुलते नहीं ना दुकान। ये सही बात है। तो भैया ये दुकान जो है वो रात को ही ओपन होती है, सारी रात चलती है, एंटिल 5 AM चलती है। तो अगर आपको ये पराठे का टेस्ट लेना है तो मेरी तरह आंखें भरी होंगी नींद से, लेकिन आना पड़ेगा क्योंकि स्वाद के लिए कुछ कुर्बानी तो देनी पड़ती है। जैसा हम दे रहे हैं भाई, ये देखिए जैसे हम दे रहे हैं, बात तो सही है। कितनी कुर्बानी दी है आपने? हर रात कुर्बानी, कुर्बानी मौत पे मौत, नींद की कुर्बानी। देते हो या लेते हो? हम कुर्बानी देते हैं नींद की। अच्छा, ताकि यहाँ के खाना। चलिए, तो भैया बहुत ही बढ़िया लगा इन लोगों से बात करके। कुछ लोग कैमरे के पीछे चले गए हैं, शायद कैमरा कॉन्शियस हैं तो वो थोड़े नाजुक। एक बाइट लीजिए ना, नाजुक। अरे क्या बात है भैया, एक बाइट लो यार। कैमरामैन को भी खिलाया जाए। ये लो ये लो, दही के साथ लो यार। अरे दही नहीं भैया, यहाँ पे मिर्ची होगी। हाँ, यहाँ पे मिर्ची बिल्कुल। अरे डॉक्टर रवीना एंड दिस इज द मिर्ची, हैशटैग मॉडल। तो बहुत मजा आता है जब ऐसे लोग मिलते हैं, साथ में हंसी टिटोली होती है, बातें होती हैं, तो ये इंजॉयमेंट तभी हो पाता है अगर चीज में टेस्ट हो। टेस्ट नहीं होगा तो भैया ये लोग भी क्यों रुकेंगे, सीधी सी बात है। तो टेस्ट है, उस टेस्ट को हम भी टेस्ट करेंगे, लेकिन एक बाइट इन लोगों के साथ। ठीक, मुझे वो बाद में करेंगे ना, वो टेस्ट बताने वाला सिस्टम, अभी एंजॉय करते हैं। ठीक है,
तो फ्रेंड्स मेरे साथ हैं वर्मा फूड एंड स्नैक्स के ऑनर भगवत सिंह वर्मा जी। तो नमस्कार सर जी। क्या जी, कैसे हैं? बढ़िया है सर। दाल पानी बढ़िया चल रहा है? गुजारा कर रहे हैं, कृपा ऊपर वाले की बाबे जी कृपा है। क्या बात है, बाबे जी कृपा है। तो मैं बोलना नहीं चाह रहा था, मेरे मुंह में आ रहा था, फिर उसमें वापस लेता हूँ। बाबा जी की पूरी पूरी कृपा है। और सर कितना वक्त हो गया है यहाँ पे आपको? ये काम करते हुए लगभग 21 वर्ष हो चुके हैं। और आपकी खुद की उम्र? अब मैं 5 तारीख को नवंबर में 50 साल का हो जाऊँगा। अरे 5 तो कल है। हाँ जी, तो हैप्पी बर्थडे एडवांस में बोल देते हैं। हैप्पी बर्थडे जी, इनको हैप्पी बर्थडे विश कर दीजिएगा सब लोग। धन्यवाद। तो बताइए कैसे शुरू हुआ ये सिलसिला, कैसे काम काज ये शुरू किया, क्या सिस्टम रहा? बस ऐसा था जी कि पैसे थे नहीं काम करने को। अच्छा। एक मित्र ने सलाह दी ये काम कर लो, कम पैसे में शुरू हो जाता है। मैंने कोशिश की, दोस्तों का साथ मिला जी, वाइफ का साथ मिला, मैंने इस काम को स्टार्ट किया। ठीक है। और खुद ही बनाते थे, खुद ही बेलते थे, खुद ही सर्व करते थे एक हेल्पर रखने के साथ साथ। और धीरे धीरे फिर बाबा ने साथ दिया, कस्टमरों का विश्वास बढ़ा हमारी क्वालिटी के ऊपर। क्वालिटी हमने आज तक नहीं खत्म की, क्वालिटी हमारी शुरू से वही रिफाइंड यूज़ करते हैं जो आज तक करते आ रहे हैं जी। और आज आपके सामने हैं। क्या बात है। तो पैसे तब नहीं थे, अब है? मतलब ये काम शुरू करने के बाद ना तंगी नहीं आई। क्या बात है, शुक्र है। काम चलता रहा, तंगी नहीं आई, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव तो चलता रहता है। वो तो जिंदगी है, वो तो ये लाइन चलती है ऐसे। लेकिन ऐसे तो वो डेड लाइन होती है। ये नहीं हुआ कि कभी किसी से कहा आज हमने रोटी नहीं खाई है, भूखे मर रहे हैं। पहले तो ऐसी नौबत थी जब काम शुरू नहीं किया था। चलो, वो देखता है जी, वो बैठा है, वो देखता है, वो खुद करता था। तो सर जी कितने प्रकार के पराठे बनाते हो आप? हम लगभग 25 प्रकार के पराठे बनाते हैं, आलू का, गोभी का, पनीर का, प्याज का, अंडे का, चिकन का, मटन का, मेथी का, पालक का, सत्तू का, मीठा पराठा जो कि गुजरात के लोग काफ़ी खाते हैं। ओके। और इन सबको भी मिक्सिंग करके ना, जैसे 10 आइटम है तो 10x4 कर लो आप आपस में। अच्छा। आलू प्याज, आलू गोभी, आलू मेथी, पनीर प्याज, पनीर आलू, पनीर पालक, पनीर मेथी, जैसे मर्जी मिक्सिंग कर लो। आलू पालक, पालक मेथी, मेथी प्याज, 1x2 का 4x2 का, जैसे कस्टमर की डिमांड अपना टेस्ट के हिसाब से वो मिक्सिंग हो जाती है। जैसे हम लोग कर देते हैं कभी कभी, तो ये भी करते हैं। जैसे अब जो देसी आदमी गांव के, उनको पालक मेथी बड़ी अच्छी लगती है। दिल्ली वाले आलू प्याज ज़्यादा खाते हैं। हाँ। तो पालक मेथी का भी पराठा है आपके पास? पालक मेथी अभी मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। क्या बात है। तो अभी टेस्ट करेंगे आप पालक मेथी का पराठा साथ में आलू प्याज। तो भाई लोग, अब मेरे साथ गोल्डी बाजी एंड We have the Mr. Singh Food Hunter. बड़े बड़े नाम है दिल्ली के भैया। एक बड़ा नाम लुधियाना से भी आए, ऐसी बात। अरे ये तो भैया भाई दो दो चैनल चलाते हैं, सक्सेसफुल है, दोनों के प्ले बटन है भाई साहब के पास। चांदी चांदी है भाजी की। चांदी है, चारों चांदी है, चांदी है। पराठे आ चुके हैं सामने। बिल्कुल। ये है पालक मेथी का पराठा मेरी डिमांड पे स्पेशल, और ये है आलू प्याज का पराठा जो की दिल्ली वालों का स्पेशल है। और एक बार एक बात और बता दूं, हमने पहले एक एक पराठा खा चुके हैं। आए, मजे कती स्वाद ले चुके हैं। हाँ, कती स्वाद दिला देंगे भाई, वीडियो ध्यान से देखना, कती स्वाद दिला देंगे। गोल्डी पाजी ना नरेला वरेला ज्यादा जा रहे हैं आजकल लगता है, पानीपत भाई होता तो भैया मक्खन मक्खन ही मक्खन मक्खन ही मक्खन। तो मेरा है पालक मेथी वाला, पहले मैं इसको टेस्ट करूंगा, पाजी इसको टेस्ट करेंगे। आलू मेथी भाई, आलू मेथी, आलू मेथी फर्स्ट। पालक मेथी है, पालक मेथी। आलू मेथी होती तो फिर हम ऑर्डर नहीं करते ना। पालक मेथी तो भाई पहले कई स्वाद दिला देंगे, कई स्वाद दिला देंगे। तो भाई पाजी ने लिया है पालक मेथी का पराठा। पाजी बिल्कुल पाजी, और हमारा है आलू प्याज का। ये देखिए मैं आपको ना इसकी एक बाइट दे देखो, खोल के दिखाता हूँ। ये देख क्या बात है, हाय हाय हाय, मजा आ गया भाजी। बिल्कुल मजा आ गया भाई, बाकी मजा फिर अब स्वाद खा के आ गया। लो भाजी बाइट लो, क्या बात है। एक एक बाइट ही लो, एक एक बाइट ले लो। ऑलरेडी मैं मक्खन अपना अपना मामला सेट हो गया है, मक्खन अपना अपना। वाओ,
हल्का सा ये पक गए हैं लेकिन हल्का सा कच्चा बन रहा है, वो कच 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 जो हो रहा है वो, और वो उसका जो स्वाद है ना दैट इज अमेजिंग, वही आपको पालक मतलब मजा दे जाएगा बिल्कुल बिल्कुल। एंड नाउ वी हैव दिस आलू प्याज पराठा, तो भाई उसके बाद हम ये ट्राई करते हैं। तो ये दिस इज द बेसिक ऑफ पराठा, ये सब पराठों की माँ है आलू प्याज का पराठा, सबसे ज्यादा बिकने वाला, सबसे ज्यादा बनने वाला, हर रसोई में मिलने वाला पराठा आलू प्याज पराठा। बिल्कुल भैया इसकी बाइट करो। हाँ तो भाजी इसकी भी मैं फीलिंग आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो इसके अंदर की फीलिंग है ये देखिए, बहुत ही लाजवाब है। अभी इसमें से धुआं निकल रहा है देखिए, तो बहुत ही बढ़िया फिलिंग है अंदर इसकी, प्रॉपर फिलिंग की है। और इसमें मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें जो मटेरियल और आटे का जो मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन जिसे बोलते हैं, नहीं वो कुछ और ही बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअल में क्या होता है कि पोर्शन, हाँ ओके पोर्शन जो है ना इसमें आटे का पोर्शन ज़्यादा नहीं है, मतलब कई बार क्या होता है आटा बहुत ज्यादा होता है तो वो उसमें पाजी, वो पाजी एक बार भर के डालिए पाजी, पाजी एक बात और बता दूं, इनका परांठा मैंने ऑलरेडी इनके मेरे चैनल पे इनकी वीडियो है, इनका परांठा जहाँ से भी आप पढ़ोगे वहाँ पे स्टफिंग नजर आएगी, गप्पा भर के डाला हुआ, और पोर्शन जो है वो प्रॉपर है, मतलब आटा और जो मटेरियल है वो आपको पूरा एक जैसा हर कोने में हर कोने कोने तक नजर आएगा। मिर्च के साथ खाना चाहिए भाई इसको, मिर्च के साथ खाओ यार, पाजी मजे बहुत लेते हैं, वैसे आने से आए हैं वहाँ से बस ठीक है। बता तो दो यार टेस्ट तो बताओ अब, रुक जाओ भाई हर चटनी के साथ खाएंगे भाई, इन्होंने दिया है मक्खन मिर्च और अचार और चटनी, तो सबसे पहले हम हरी चटनी के साथ खाएंगे भाई इसको, हरी चटनी तो पानी जैसी लग रही है वैसे, लेकिन टेस्ट देखते हैं कैसा होगा। प्याज कचर कचर कर रहा है और आलू का जो मसाला है भाई बहुत बढ़िया है, दमदार है। और सबसे अच्छी बात जो लगी, जो पाई ने बताई, कोने से भी इसको तोड़ लो, कहीं से भी फाड़ लो भाई, आलू की फीलिंग वहीं आपको मिलती है, क्या बात है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, नमस्कार नमस्कार बाय।